फतेहपुर विधानसभा के रहन छत्तर में एंजल दिव्यांग अनाथ आश्रम निःशुल्क दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रहा है, जिसमें दूर दूर से बच्चे इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके चलते आश्रम में जगह की कमी हो रही थी, जिसको लेकर एंजल दिव्यांग अनाथ आश्रम के संचालक ने इस आश्रम को कहीं दूसरी जगह बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है। एंजल दिव्यांगनाथ आश्रम के निःशुल्क मानव सेवा को देखते हुए इनके नए भवन निर्माण के लिए समाज सेवी संस्था लोगों व स्कूलों ने इनकी मद्दत के लिए पहल की है। इसी मद्देनज़र फतेहपुर के सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूलों के बच्चों व अध्यापकों ने मिलकर इस आश्रम को 30,000 रुपये राशि की मदद की। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर कमलेश शर्मा आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ छत्तर में एक एंजल दिव्यांग अनाथ आश्रम है, जिसमें बच्चों की जो है वो जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उन बच्चों को जो है वो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ से काफ़ी बच्चे जो है वो ठीक होकर भी गए हैं। बहुत अच्छा जो है वो ये संस्था जो है वो चल रही है, जिसको संस्था को जो रन कर रहे हैं वो श्री नीरज शर्मा हैं, छत्तर से हैं, वो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो इसको रन कर रहे हैं। हमारे पास ये स्कूल में आए थे और इन्होंने कहा था कि मैं इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं, मैं और बच्चे भी जो है मेरे पास जो है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स की बच्चों को भेजें, तो जगह कम होने के कारण जो है वो मैं कहीं पर इनका कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू किया हुआ है आगे बिल्डिंग का। तो वो आए थे कि कोई भी यहाँ पे स्कूल में बच्चे और टीचर्स जो भी हेल्प करना चाहते हैं, इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, वो प्लीज जो है वो अपनी मर्जी से दें। तो हमने इस ढंग से बच्चों से भी अपील की, टीचर्स से भी अपील की, तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपया जो इकट्ठा किया है और हम श्री नीरज शर्मा जो कि संस्था को बहुत बढ़िया से रन कर रहे हैं उनको जो है वो आज हैंड ओवर कर रहे हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।